पत्रकार होने के नाते भी मैंने इस बात को समझने की कोशिश की। आप बार बार फंड की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जब बार बार फंड की बात करती है तो लोगों का दिमाग ठनकने लगता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, उस योजना में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसमें किसी तरीके का कोई फंड आवंटित नहीं किया जाएगा। नेता मोटिवेटर होते हैं, नेता जाएं, वो छोटी छोटी टीमें बनाएं, सांसद जाएं अपने इलाके में, उन गांव में जिसे वो गोद ले रहे हैं, और वहां पर लोगों को इस तरह से प्रेरित करें कि उस गांव की जो समस्या है उस गांव के लोग ही उसे दूर करने के लिए आगे आएं। और देश में अगर सांसदों ने गांव गोद नहीं भी लिए थे तो भी इस देश में कई ऐसे गांव हैं दुजेन जी जिनका उदाहरण रखा जा सकता है। पूरे के पूरे गांव जहां पर कभी पानी नहीं होता था वहां पर उन्होंने तालाब से या पेयजल की व्यवस्था बनाई, पूरे गांव को स्वच्छ कर डाला, खेती बाड़ी की स्थितियां को सुधार डाला, और ये वहां के ही लोगों ने किया, तब किसी सांसद ने नहीं किया। आज सांसद निधि पर जब सवाल उठता है कि ये सांसद निधि बंद होनी चाहिए, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, आप दूसरी तरफ जाकर के इस योजना में भी पैसा ढूंढ रहे हैं, तो जिस जगह पर पैसा नहीं होगा तो क्या उस जगह पर कांग्रेस नहीं होगी? नहीं नहीं शेखर जी, आप हमारी बात आपने अच्छी बात करी। हमने ये कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की क्या उस प्रधानमंत्री को कोई प्रमोटर मिला? क्या वो गए लोगों को प्रमोटर ढूंढने के लिए? जो भी पैसा आया जयापुर या नागेपुर गांव के लिए वो गुजरात से होकर के आया। तो अगर यही करना था तो प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए थी, जाना चाहिए था, देखिए कौन से लोग ऐसे प्रमोटर हैं, कुछ लोगों को तो लाते। अरे गुजरात से इसलिए आया क्योंकि बिहार या पश्चिम बंगाल से कोई प्रमोटर आने की स्थिति में ही नहीं है। कहां है प्रमोटर? आप बिहार से किसी प्रमोटर को लेके आएंगे या बिहार का विकास कराएंगे या आप उस जगह पर? दुजेन जी, आपने जितने सवाल उठाए शुरुआत में, मैं भोला सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मैं आऊंगा सर आपके पास, वो जवाब आपके मिलने भी चाहिए। भोला सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस योजना को शुरू किया, आदर्श ग्राम सांसद ग्राम योजना, क्या वजह है कि बीजेपी के अपने ही सांसद उनकी इस योजना को अमली जामा नहीं पहना पाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूं कि आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हर गांव का विकास हो और एक गांव मॉडल बने उस विकास का, इस योजना के तहत हर सांसद को आदर्श गांव लेने का प्रधानमंत्री जी का सुझाव था और सभी सांसदों ने लिया है। अरे सर, और लिया मैं है आपको तो बता दूं कि जहां पर कौन सा गांव था, क्या स्थिति है वहां पर? नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए, जहां पर बीजेपी की सरकार है प्रदेश में वहां के आप गांव देखिए कि हर सांसद गांव का विकास हो चुका है। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में अभी मैं माननीय जो हमारे सांसद ये कांग्रेस के अभी जो वक्ता बोल रहे थे उनके उसमें कहे हैं तो देखें कि इतने लंबे समय से उन्होंने शासन किया प्रदेश में, देश में, तो उत्तर प्रदेश में क्या अमेठी रायबरेली में कोई गांव इन्होंने ऐसा डेवलप किया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है और शुरुआत करने के साथ साथ जो हमारी सरकार की योजनाएं हर गांव तक पहुंचे, हर गांव का विकास हो, कल्याणकारी जनकल्याणकारी योजना शुरू की है, जो उत्तर प्रदेश के आदर्श सांसद गांव में विकास के लिए जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की खुद की सरकार है। अरे सरकार में कोई भागीदारी नहीं थी, आप क्या बात कर रहे हैं भोला सिंह जी? आप तो सांसद हैं, फिर सवाल आप पर उठ जाएंगे? आपने इसका मतलब न तो साइट पर जाकर के इस योजना के बारे में पढ़ा है, न प्रधानमंत्री की बात को ही ध्यान से सुना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद जाएं और उस योजना को उस गांव में टीम बना करके और बाकायदा, भाई सफाई करने में सरकार कौन सा साथ देने वाली है आपकी, या वहां पर पेयजल की स्थितियां जो सुधारनी है या लोगों को मोटिवेट करना है, उसमें कौन सी सरकार से और कौन सा फंड आपको चाहिए? यही तो प्रधानमंत्री ने कहा था। ऐसा है, जो पेयजल की व्यवस्था है, पेयजल की टंकी लगाने के लिए जो स्वीकृति आएगी, पैसे का फंड जाएगा, केंद्र सरकार का जाएगा, लेकिन उसको करने का काम तो प्रदेश की सरकार कर रही है। कोई भी योजना हमारी जा रही है केंद्र की, वो योजना प्रदेश सरकार अपने पास उसको रख कर बैठ देती है। मैं आपको अपने आदर्श गाँव की बात कराऊं कि प्रदेश सरकार का क्या हो, प्रदेश सरकार की तरफ से सफाई के लिए हर गाँव में स्वीपर अपॉइंट किए गए और उन्होंने मेरे गाँव का स्वीपर ही वहां से हटा रखा है एक साल से, तो गांव वाले लोग पूरी उससे अपनी जागरूकता के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जो भी योजना आती है उसको वहां तक नहीं पहुंचने दे रही, एक भी पैसा विकास का नहीं लगा। खाली जागरूक होने से लोग जागरूक होंगे अच्छी बात है,
सफाई रखेंगे अपने घर का घर की तो क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री को बताई ये बात सर 47 गांव आपके ही सरकार के मंत्रालय ने 47 केवल गांव ऐसे देश भर में निकाले हैं जो आपके सांसदों ने गोद लिया और उनकी जो स्थिति है वही आदर्श गांव की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अगर आपका एक सांसद भी कर सकता है तो फिर 702 सांसद आपके क्यों नहीं कर सकते, या 702 छोड़िए बीजेपी के जो 350 हैं वो क्यों नहीं कर सकते? जो काम करने का वो काम अपना कर रहे हैं, जो जहां प्रदेश में हमारी सरकार है वहां पर पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन जो जागरूकता है लोगों को जागरूक करके जो केंद्र की योजना है वहां तक पहुंच रही है उनको भी वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। हम लोग कैंप लगवाते हैं गांव में तो जो डायरेक्ट योजना है जैसे प्रधानमंत्री जी की पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युत योजना से गांव का विद्युतीकरण हुआ मेरे आदर्श सांसद गांव का। नहीं, दोनों अलग अलग चीज है, वो एक अलग मसला है, बिजली राज्य में जाती है, सांसद ग्राम योजना अलग विषय है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दीपक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राज्य सरकारों पर ये जो आरोप लग रहा है, ठीक है मैं आऊंगा भोला सिंह जी आपको मैंने वक्त दिया, दीपक जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा पहले कि राज्य और केंद्र के बीच में ये उछलती हुई गेंद आखिर किसी जगह पर रुकेगी या फिर आपको लगता है कि ये हमेशा की समस्या है? क्योंकि योजना अच्छी थी और अगर आप साइट पर जाएंगे तो आप पाएंगे के लिए भी है कि वो योजना उन्होंने गांधी के विचारों से उठाई। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है कोई बात नहीं सर, समय कम पड़ जाएगा फिर दूसरे के पास मुझे जाना है। दीपक जी मेरा सवाल आपसे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना की प्रशंसा तो देखिए शेखर जी इस योजना की प्रशंसा तो नेताजी ने भी की थी। अच्छी बात, अच्छी योजना की प्रशंसा हर कोई करेगा। श्रद्धेय भोला सिंह जी अनुभवी व्यक्ति हैं लेकिन यह भूल गए कि केंद्र सरकार की हैसियत कलेक्टर जैसी होती है और राज्य सरकार पटवारी जैसी होती है। पटवारी की क्या हैसियत है अगर कलेक्टर चाहे कि यह काम होना है? पहली बात तो उनमें काम करने के प्रति जो लापरवाही थी वह यथावत है भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार में। यह सिर्फ वागवीरों का एक पुंज है जो जुमले उछालता है, नारे करता है। अच्छा काम था किए होते, एक उदाहरण प्रस्तुत किए होते। राज्य सरकार ने कभी भी, कौन सी राज्य सरकार ऐसी होगी जो अच्छी योजना में बाधक बनेगी? लोकतंत्र की एक कसौटी होती है, हर 5 साल बाद हमें जनता के सामने आना होता है, जवाब देना होता है। हम कैसे जवाब दे पाएंगे कि केंद्र की अच्छी योजना है आप क्यों बाधक बने? हम तो साधक बने हुए हैं। चलिए ठीक है, भोला सिंह जी इसका जवाब दे दीजिए। बता दें मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि स्थानीय प्रशासन, अभी 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 इन्होंने बताया कि बाधक, अगर ये बाधक नहीं बने हुए तो जो जो टॉयलेट का शौचालय बनाने का पैसा केंद्र सरकार का जा रहा है। भोला सिंह जी बात सुनेंगे नहीं, ये आरोप लगा रहे थे, मैं खामोशी से बात सुन रहा था। आदरणीय भोला सिंह जी बात हमारी पूरी हो जाने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। लोकतंत्र में दूसरों को भी तो कहने, आप जनता के सामने झूठ मत बोलिए ना, कितने झूठ बोलेंगे आप? झूठ बोल बोल के 4.5 साल निकाल गए अपने, इसका हाल जनता सब देख रही है। बनाइए कृपया करके, मेहरबानी है, मेहरबानी करिए। लोकतंत्र और राजनीति मजबूत रहेगी तो हम भी जिएंगे और आप भी जिएंगे, देश तरक्की करेगा। ये वो बता दे कि इन्होंने मुख्यमंत्री को क्या पत्र लिखा है कि स्थानीय प्रशासन यहाँ हमारा असहयोग कर रहा है, हमारे साथ पूर्वाग्रह ग्रसित कार्य प्रणाली अपना रहा है। और अगर इन्होंने पत्र लिखा होगा तो इनकी मोबाइल में ये पब्लिक ग्रीवांस सेल है मुख्यमंत्री का, एक आ गया होगा कि यह आपका शिकायत क्रमांक है। आप बता दें मैं 24 घंटे के अंदर इनकी जो ग्रीवांस होगी वह दूर किया जाएगा। जनता के विकास में, जनता के कार्यों में कोई राजनीति नहीं होती। आदरणीय भोला जी ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह ठीक है, हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं दुजेन जी का एक बार फिर से रुक करता हूँ। दुजेन जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास एक मौका था कि उसके जब सांसदों की संख्या 40 के आसपास है तो वो ये दिखा सकती थी कि देखो हम सत्ता में रहते हुए अगर आप मेरे ऊपर तमाम चीजों की बातें करते हैं या आप लगाते हैं कि हम अकर्मण्य रह गए या हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिसका उल्लेख होना चाहिए, तो हम विपक्ष में रहकर भी ऐसा और बहुत कम सांसदों के साथ कर सकते हैं कि वो नजीर बन जाए। ऐसा हुआ नहीं। देखिए शेखर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस उसमें कितना अपने फर्ज को पूरा कर पाई नहीं कर पाई एक अलग बात है। क्यों? लेकिन सवाल तो ये है कि सांसद चुने गए वो कहीं अलग से तो आए नहीं, वो तो इसी देश के सांसद हैं।